अर्ज करें, वो इंसान है या हम खुद हैं, किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, इस मुल्क में एयरपोर्ट पर उतरे, लंदन पर, अनजाने हैं, बिल्कुल नए मुसाफिर हैं, तो जब हम एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज जो होगी मुसाफिर के लिहाज से कि हमने जाना कहाँ है, उसको गोल या मंजिल कहेंगे आप, मुकाम कहेंगे, सबसे बड़ी चीज उसके जहन में ये होगी। मिसाल के तौर पर उसने लंदन उतरा तो मैनचेस्टर जाना है उसने, अब उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि मैनचेस्टर कैसे पहुंचूं, यही होगा ना। उतरते एयरपोर्ट से उसको फिक्र एक लगेगी कि यार मैनचेस्टर कैसे पहुंचूं, मंजिल उसकी, क्योंकि नया मुसाफिर है तो सबसे पहले वो कोशिश ये करेगा कि कोई जानने वाला, उर्दू बोलने वाला कोई ऐसा आदमी हो जिससे पूछूं भाई मैनचेस्टर में कैसे जा सकता हूं, उसे कुछ पता नहीं है। होता है इंसान के साथ, मेरे से कई दफा ऐसे हुआ, आपके साथ वो दुनिया में सफर करता है आदमी तो जानता तो नहीं ना, पूछना पड़ता है भाई ये मैंने फलां शहर में जाना तो कैसे जाऊँ, बड़ी फिक्र होती है, उसको कुछ और ख्याल नहीं। तो आपको कुछ जरा ही बताएगा, अच्छा अच्छा आप मैनचेस्टर जाना चाहते हैं, ठीक है भाई, एक तो आएगी आप यहाँ से जाएंगे तो बाहर बस होगी, फलन बस, बस में बैठ जाए, अच्छा अच्छा तो अब आप वो सफ़र है 5-6 घंटे लगेंगे उसमें आपको, अगर आप वाकई ज़्यादा जल्दी और कंफर्ट जाते हैं तो यहाँ से ट्रेन भी जाती है, आपको ट्रेन का पता ही बताएगा, और तीसरे ऑप्शन दे देगा कि भाई अगर आपको पैसा वैसा भी है और सिर्फ जल्दी आप जाना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन जो है आप प्लेन से चले जाएँ, एयरपोर्ट पर चले जाएँ, आपको प्लेन पहुँचा देगा। अब तीन ऑप्शन आ गए हमारे पास, बोले सुबह हम मुसाफिर हैं ना, मुसाफिर नहीं सब मुसाफिर, फर्क है कि हम जानते नहीं हमारा मंजिल क्या है और हमारा एयरपोर्ट कौन सा है और हम किस शहर में आए हुए हैं, ये हमें नहीं पता है, सब मुसाफिर। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह की तारीफ कर दिया करें ताकि अल्लाह को पता चले कि इनके दिमाग में कुछ जा जाए बात। अब तीन ऑप्शन है उस आदमी के पास, अब वो अपनी हैसियत देखेगा किस पोजिशन का मुसाफिर है,
कितनी उसको लगाने मंजिल पहुंचने की, कितनी जल्दी है, कोई होगा सुस्त सा, चलो कोई बात नहीं यार आराम से पहुंच जाएंगे, हमने क्या करना है, तो बस ही पकड़ ले, बस चले तो कुछ चार पैसे बचा लेंगे, पैदल ही चला जाएगा, टाइम फैक्ट्री नहीं उसके पास, जरूरत नहीं। लेकिन वो आदमी जल्दी जाना चाहता होगा, कुछ कहते यार मैं जल्दी तो मुझे ट्रेन पहुँचा देगी। तीसरा जो उसमें यार मैं बहुत जल्दी पहुँचना है, क्या फजूल टाइम वेस्ट करना, अपना जाऊँगा इतना देर काम कर लूँगा, थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा ना, वो किस पर जाएगा, हाँ ब्रेन पे जाएगा, पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई हम इस दुनिया में आए हैं, और हदीस भी है कि हम सब क्या हैं, समझे ना समझे, लेकिन जो अल्लाह ने कह दिया वो ही है हम। अब जब हम मुसाफिर हैं तो कोई डेस्टिनेशन होगी हमारी या नहीं होगी, तो अल्लाह ने कह दिया तो मुसाफिर है, किस्सा खत्म। अब आप समझे ना समझे, अल्लाह ने कह दिया आप इंसान है, हमने कहा हम तो बंदर हैं, जैसे अल्लाह जी कहते हैं ना कि तुम बड़े बेहतरीन इंसान हो, सबसे आला हो, कहते हम तो बंदर हो, हरकत करें हम तो बंदर हैं, अब बंदर ही बने हैं ना आप लोग, जानवर हरकत है, अल्लाह कहता है तुम तो हसन तकवीम हो, कुरान में लांग कर रहे हैं, नहीं हम तो हमने मानने ही नहीं, हम तो उल्लू ही सही है, मेजॉरिटी निकालें उल्लू रहना पसंद करते हैं, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हसन तकवीम हो तुम, कि तुम पे तो दुनिया नाश करती है, फख्र करती है मेरी कायनात, हमने मानने ही नहीं बात, मानते हैं माने तो वैसे काम ना करें, तो इंसान के काम से पता लगता ना कि है क्या, अपने आप को समझता क्या है, उसकी अमल बताएगा ना उसको, अपने आप को समझता है क्या है, ऊंचा समझता है नीचा समझता है, अब वहां पर हालात देख रहे हम दिन भर क्या करते हैं, जानवर वाले करते हैं या अच्छे इंसानों वाले, तो हम कैसे मुस्तैक हो सकते हैं कि हम अपने आप को अच्छी तख्लीक में शुमार करें अपने आप को, हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो भाई इस बात से हम सब अपने आप को करेक्ट करें कि हम आज की बात जिंदगी उसी अंदाज से गुजारेंगे जो टाइटल अल्लाह ने हमें दिया है, करेंगे भाइयों। उसके लिए क्या फर्क करना पड़ेगा कि जानो वाला हरकत नहीं करनी, बल्कि क्या करनी है, जो अल्लाह ने हमें जिस अंदाज से पैदा किया है उसके हुक्म के मुताबिक काम करना है, करेंगे भाइयों। सुबह ऐसे तकवीम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तब्दील हो गई, जानवर बन फिरे थे, अल्लाह ने हमारा नाम ही चेंज कर दिया, लिखो ट्रांसफर कर दो उसका नाम, अभी जानवरों में नहीं बल्कि किसमें है, इंसानों में आ गई जो मैंने पैदा किया। तो इतनी सी बात है, जो ये बात समझ गया इसी वक्त जिंदगी चेंज होगी उसकी। इसलिए हम जाते हैं मजालिस के अंदर, जिक्र के मजलिस में, अल्लाह वालों के पास बात सुनने, कि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, वक्त गुजारने नहीं आए हम, वक्त गुजारने के लिए आपके बहुत चीज़ें थी, हजारों चीज़ें इस वक्त हैं जो आप वक्त से वक्त गुजार सकते थे, लेकिन आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है, आपने नहीं दी, अल्लाह ने आपको मजबूर किया आप आ जाए, आ सकते हैं, कौन छोड़ के आते हैं इन चीजों को, मुझे बताएं आते हैं, यही आसान आते हैं अल्लाह के, यही इनामत है इंसान के, कि किस तरीके से इंसान को इंसान अल्लाह बताना चाहता है, हम समझते नहीं इस बात को, हम समझे हम खुद है, खुद तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता, कोई ला ही नहीं सकता आज तक, कौन मुझे बताएं, बहुत कम लोग होंगे जिसके बाप तरबियत करते हैं, नवाजी नहीं सबसे पहले दिखाई, यहां से पैसा कमाना है, ऐसे करना है, इतना पैसा भेजना है, उस मुल्क में चला जा, इसकी पर कभी कोई बाप को फिक्र नहीं होगी, मैं इसको ऐसे इंसान बना दूं कि ऐसे तकवीन हो जाएगी, बहुत कम लोग है या नहीं। तो फिर वही जात है अल्लाह की, इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुकाम पर उसे चुन लेती है, और फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करती है, अहदन सरात मुस्तकीम की तरफ लेके जाती है। सब अपनी अपनी हिस्ट्री को देखें, हर बदतरीन इंसान तो मैं आपके सामने बैठा हूं, कि किस तरह अल्लाह ने गलाजत से निकाल के इंसान को नमाज पढ़ाने पर लगा देता है, किस तरह इतनी गंदी आदत से निकाल कर, भयानक किस्म की आदत होती है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये बंदा क्या क्या हरकतें कर रहा है, खुद अपनी जात से वाकिफ नहीं होता कि मैं इतना गंदा इंसान हूं, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला किस तरह उसको निकाल कर एक वलीउल्लाह की लिस्ट में डाल देता है। ये इसका एहसान करम है कि हमें ले आया, हमें आज क्या सीखा कि हम तो सब क्या है, सबक ना बोले क्या है, ऊंचा बोले, ये तो मान गए। अब हर मुसाफिर की डेस्टिनेशन होती है, मंजिल होती है या नहीं होती, तब हम खड़े हैं, मुसाफिर हैं, अब मंजिल है पे, हमारी मंजिल है, मंजिल जानेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना,
तो सबको पता है कि हमारी मंजिल क्या है सुबह खलक जिन्ना जिनसा इलाबून, अल्लाह ने क्या कुरान कुरान बताते हैं कि भाई तुम मुनफरिद मखलूक हो, सारी कायनात तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, खलक जिन्ना जिनसा इलाबून, सारी कायनात तेरे लिए, दरख्त तेरे लिए, आबशार तेरे लिए, तेरे लिए हवा, तेरे लिए समंदर, तेरे लिए मछलियां, तेरे लिए हर मखलूक की एक एक चीज को तेरी खिदमत में मैंने लगा दिया, लेकिन तू मेरे लिए। हम कहते हैं सारा कुछ भी हमारे लिए और हम तेरे लिए नहीं। ये कोई जिंदगी है दोस्तों? सुनो, ये कोई जिंदगी का स्टाइल है कि सब कुछ तो मेरे लिए, खाऊंगा मैं, पीऊंगा मैं, सोऊंगा मैं, उसमें भी जरा कमी हो जाएगी तो शिकवा भी तुझसे करूंगा, ये मिलना मुझे फना हो गया, ये देखो जी ये क्या हो गया, ये मैं हो गया, पर हम तो पसंद नहीं करते, छोड़ो जी नमाज क्या पढ़ना, अगर जो नहीं मिल रहा दासा लगाओ क्या उस फॉर्मूले पे, अपनी डेस्टिनेशन जो अल्लाह ने बताई है उस पर हम अमल कर रहे हैं, वो सब कायनात तेरे लिए अल्लाह ताला कहते हैं, तू मेरे लिए, हम इस पर काम नहीं कर रहे। दूसरी चीज सबक क्या मिला कि हम जिंदा रहेंगे तो किस तरह जिंदा रहेंगे, अपनी खालिक के लिए। बोले सुभान अल्लाह, दो चीजें मिल गई, कितनी जबरदस्त चीजें मिली बताए। अब जिंदगी का दूसरा रुख बदल गया हमारा, हमें जिंदगी यहां नहीं चाहिए कि पैसे के लिए, दौलत के लिए, बीवी के लिए, ये सब जरूरतें हैं साइड पे चलती रहती हैं, हमारी जिंदगी जो है किसके लिए, अपने खालिक के लिए। तो मेरी मंजिल क्या हुई अब, मैं मुसाफिर, अल्लाह तुम मुसाफिर, मंजिल क्या है हमारी, अल्लाह, अल्लाह को पाना है, किसको पाना है, जिसने अल्लाह को पा लिया अपनी मंजिल पे पहुंच गया, वरना कोई भी मंजिल पे पहुंचने वाला इंसान नहीं हो सकता। मैंने ये कर लिया, मैंने फलां कर लिया, मैंने इतने मकान बनाए, मैंने ये कर लिया, मेरी चार बीवी है, मेरे बच्चे इतने, मैं फलां आ गया, मैं उतना आ गया, मैं पाकिस्तान से इधर गया, वो गया, हमने जहाज बना लिए, मशीनें बना ली, कोई ताल्लुक नहीं। ये सब क्या है, मिट्टी का ढेर है जो कब्र में जाके खत्म हो जाते हैं। सब ये कहने वाले बनाने वाले आखिर अंजाम क्या होता है, मिट्टी हो जाता है इंसान, है कोई जी बताए। आज कब्रें पुकार रही, देखें कब्रिस्तान में जाकर देखें, कब्रें पुकार के कहेंगी कि हाँ हाँ मैं ही हूं जिसे तू ढूंढ रहा है, जिस दुनिया में था लोग मुझे कहते थे कितना बड़ा ये है, कितना बड़ा ये है, कितना बड़ा ये है, आ देख मेरे जिस्म को कीड़े भी खा गए और हड्डी भी खत्म हो चुकी है। इत्तफाक के भी होता है ना कि कोई कब्र आप खोद रहे हैं, जो मैंने खुद देखे कब्र खोद रहे हैं दूसरे को दबाने के लिए, तो साथ दूसरी कब्र थी खोदते खोदते उसकी हड्डी निकल आती है, कभी वो इंसान जो पूरा इंसान था हड्डी निकल आई, जिसमें कांप जाता है इंसान। तो मैं और आप नहीं होंगे, हम तो मुसाफिर हैं, हमने खत्म होना है। तो पता चला हम मुसाफिर, डेस्टिनेशन हमारी क्या है, अल्लाह। अब हम मुसाफिर, डेस्टिनेशन अल्लाह, तो क्या हम उस मंजिल को पाना चाहते हैं? कितने हैं जो पाना चाहते हैं, मुझे बताएं। फिर पाना चाहते हैं तो यकीनन आप उसके उस कोई ऐसी सवारी आपने अख्तियार की है जिससे आप मंजिल तक पहुंचे, कैसे दावा कर सकते हैं? मैं खड़ा हूं लंदन के एयरपोर्ट पे, क्या जी मैंने तो जी मैनचेस्टर जाना है, तो जनाब आप ये सवारी पर नहीं बैठना जी, मैंने मैनचेस्टर जाना है। लोग क्या करेंगे ये करेंगे इस तरह, फिर तीन दिन से आपको देख रहे हैं आप खड़े हैं क्या जी, हम मैं तो मैनचेस्टर पे लिए आया था, मैंने मैनचेस्टर जाना है, चले जनाब पैसा है जी हाँ, सामान जी हाँ, चाहते ही क्यों नहीं सवारी है? नहीं बस जाना है। तो हम ऐसे मुसाफिर हैं कि जानते हैं हमारी मंजिल क्या है, अल्लाह है, ठीक है ना, लेकिन हम उसी जगह खड़े हैं हिले नहीं वहां से कि हम अल्लाह को पास पहुंचना चाहते हैं। एक क्वेश्चन, यहां से तो हमने पूछ लिया, आप कह सकते ठीक है जी हम लंदन पे उतरे थे तो हमने पूछा जी हमने मैनचेस्टर जाने की सवारी बताओ, बताने वाले इतने आदमी थे, कोई बस बता रहा है, कोई रेल बता रहा है, तो जी हमें तो हमें क्या पता हम अल्लाह को कैसे पाए, हमें तो पता ही हम कहां से टिकट लें, कौन सी किस सवारी पे बैठे, तला कह रहे पीछे हट जाओ। अल्लाह तला क्या कर रहा है, मुसाफिर भी मेरे हो, मंजिल भी मेरी है और रास्ता भी मैं ही बताता हूं। सुबह खत्म हो गया ना इश्क, तुम मेरे मुसाफिर हो, मंजिल भी मेरी है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता, तो किसी से मत पूछो,
पूछने की जरूरत ही नहीं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसी सवारी तुम्हें देता हूं कि सवारी पे बैठोगे नहीं और मंजिल पे पहुंचोगे। तो जो उस सवारी पे बैठ चुका है इंसान, फिर तो वो कहेगा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल पे पहुंच रहा हूं, और जो सवारी पे नहीं बैठा तो वो तो बंदा लोग कैसे कह सकता है मंजिल पे पहुंच रहा हूं, दावा कर सकता है? सर तजिया करते जाए मेरी बातों को। जन्नत के लिए तो हम सब बैठे, हमने जन्नत जाने, हमने जन्नत जन्नत पे जाने की परी अल्लाह ताला बता रहे बहुत उसको तो पता। या अल्लाह तो बता फिर तू किस पे, किस सवारी पे हम बैठे हैं, हम तुझे पाले बताता, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। जोर से सुभान अल्लाह लोगे जब बताऊंगा मैं, अभी नहीं जब बताऊंगा, अभी सबर करो, सवारी आ रही है अभी बता रहा हूँ डेस्टिनेशन, हम सबने बैठे ना उस पर, अल्लाह की जो सवारी उसे बैठे ना, वादा कह रहे अल्लाह ताला कि मैं बताऊंगा उसी वक्त बैठ जाना, तुम बैठोगे नहीं मस्जिद पे मैं पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला तो बता फिर कौन सी मंजिल है, हम मुसाफिर मंजिल तू सवारी बताओ, अलग बताओ आओ फोस करू नी अल्लाह मुझे पानी की सवारी क्या है, मेरा जिक्र है, फोस करू नी यस्कुम, जब तू मेरा जिक्र करेगा कहते हैं उसी वक्त मेरी तरफ से तेरा जिक्र शुरू हो जाए, तूने हाथ बढ़ाया मैंने हाथ पकड़ा, मुलाकात होगी तूने अपनी मंजिल को मशकुली अब इस पे सारी जिंदगी शुक्र करना कि मैंने तुझे सवारी अता फरमा दी। नहीं बात समझे, अब बताओ इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, अगर फिर भी हम जिक्र ना करें मुझे बताएं आप तो किससे बड़ी बदतमीजी होगी हमारी, मानते ही मुसाफिर हैं मंजिल ही पता है जाना है और अल्लाह सवारी दे रहा है कि नहीं सवारी भी नहीं बैठने की खड़े हैं हम, मेरे भाई हो अल्लाह को पाने तो अल्लाह ने खुद कह दिया आओ मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करोगे तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी पहुंच जाओगे कि मैं तुम्हें याद करना शुरू कर दूंगा, और जब मैं याद करूंगा तो मेरी पूरी कायनात तुम्हें याद करेगी और तुम्हें पहचान जाएगी कि वाकई तो हसन मखलूक है, इसी के लिए हमें पैदा किया गया था, वाहिद यही इंसान जो मंजिल पहुंचना चाहता है, हम तेरे बंदे को पहचान गए, अभी तो हम जलील ख्वार होते हैं दुनिया के अंदर, कोई पहचानते नहीं है, सही सवारी पकड़ो मेरे भाइयों, सही सवारी पकड़ो, समझ आ गई बात पक्की, समझ करेंगे जिक्र, अब जिक्र का मकसद समझ आ गया, ये मकसद कि हमने इस जिक्र से अल्लाह को पाना है, अल्लाह बगैर जिक्र के थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, दिल कर रहे तसव्वुफ के रंग पेश करूँ कुछ बात आपकी खिदमत सूफी हज़रात में, आप कोशिश करूँगा मैं समझा सकूँ और समझ जाए। जिक्र अब सुन लें किसको किया कैसे जाए और कैसे अल्लाह तक इंसान पहुंच जाता है, अल्लाह का जो जिक्र है ऐसी सवारी है कि अल्लाह ने इसके कुछ सोर्सेज दिए हैं एकदम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली स्टेजेस से अल्लाह ने अपने अपने तरफ बंदे को खींचते हैं स्टेजेस से। पहले क्या है, सबसे पहले स्टेज किया है कि अल्लाह कहता है कि मुझे याद कर, इस जबान के साथ मुझे याद करना शुरू कर दे, आदमी मैंने इस सवारी पे बैठने के ठीक बैठ जा, क्या करेगा पहले वो जबान के साथ अल्लाह का जिक्र शुरू कर देगा, अल्लाह को याद करेगा जबान के साथ, जब जबान से याद शुरू करना शुरू कर देगा अब उसकी सवारी बढ़ना शुरू होगी किसकी तरफ, मंजिल की तरफ, बोले सुभान अल्लाह। मिला नहीं इंसान जबान के बाद दूसरी स्टेज उसकी आती है अल्लाह के करीब ले जाने के लिए, कौन सा है, दिल से अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाता है। दिल और जबान के जिक्र में क्या फर्क है कि जब जबान से जिक्र करता है तो जिक्र जबान के साथ किया जाता है, और जब जब उससे ऊंचा जाता है आगे निकलता है तो फिर क्या है, दिल में जिक्र करता है तो वो दिल की जबान के साथ जिक्र करता है, तो दिल बोलता है, पहले जबान बोल ली थी ना, तो हाई स्टेज पे आके अब क्या बोलता है इंसान का, दिल बोलता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर सवारी आगे बढ़ती है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, जबान से दिल पर आया, दिल से फिर दिल की जबान बोलना शुरू करी, जबान चुप हो गई,
زبان چپ ہو گئی اور دل بولنا شروع ہو گیا, دل شروع ہو گیا, اللہ کہتا اللہ اللہ, زبان چپ پھر دل شروع ہو گیا, دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب اس سٹیج پہ انسان دل پہ ذکر کرتا ہے تو سمجھو الحمدللہ وہ اونچی سٹیج پہ پہنچ گیا, منزل قریب ہے. اب پہلے سے اب منزل جہاز چلتا ہے تو منزل پہنچتی نہیں رہتی, ہم اتنی فلائٹ اونچے جا رہے ہیں اتنی فلائٹ اونچی جا رہے ہیں, ہوتا ہی نہیں ایسا سر. تب ہماری فلائٹ جو ہے اونچی چلی گئی ہے, اب زبان بند ہو گئی, اب کیا چلنا شروع ہو گیا, دل چلنا شروع ہو گیا, اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. تب انسان اس پہ محنت کرتا ہے تو کانوں سے بھی آواز سنتا ہے دل کی, کہ جس طرح زبان بولتی تھی نا اسی طرح اس کو دل سے آواز آتی ہے اللہ 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 کی طرح دل کہنا شروع کرتا ہے. جس مسافر میں نا کتنا سیریس مسافر ہے, کتنی چاہت اس منزل تک پہنچنے کے لیے, اللہ اب دل سے نکلتا ہے اور قریب ہوتا ہے جب اللہ کے قریب, تو پھر کیا ہوتا ہے, زبان بھی چپ ہو چکی ہے دل بھی خاموش ہو جاتا ہے. اللہ تیسرے سٹیج پہ کیا ہوتا ہے, دل بھی خاموش ہو جاتا ہے, اب وہ ذکر جو ہے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے, اب دل بولتا نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ فطرت دل بن جاتا ہے, اس کا ذکر جو ہے اس کی فطرت بن جاتا ہے, نیچر بن جاتا ہے. پہلے کیا تھا, سبحان اللہ بتاتا ہوں, کہ پہلے اس نے دل کو عادی کیا, دل کو عادی کیا ذکر کی طرف, اب کیا ہے کہ دل جو ہے اب اس کو مجبور نہیں کر رہا ذکر کرنے کے لیے, بلکہ کیا ہے اب وہ دل ذکر چھوڑ ہی نہیں سکتا, اب ذکر چھوڑ ہی نہیں سکتا, چھڑانا چاہے گا دل نہیں چھوڑ سکتا, اس کی فطرت بن گئی ہے. اس پوزیشن میں کیا ہے کہ نہ زبان ذکر کرتی ہے نہ دل سے آواز آتی ہے, بلکہ کیا ہے اس کی بعین دل کا فطرت بن جاتی ہے اللہ کو یاد کرنا, یعنی احساس چلا جاتا ہے, احساس میں ڈوب جاتا ہے دل کے, بہت قریب ہو گیا اللہ کے, تب اتنے قریب ہو جاتا ہے. تب چوتھی سٹیج آتی ہے, اب یہ بہت زبردست سٹیج ہے, بڑے سادہ لگ رہا ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں, تشریح تصور میں بڑی زبردست ہے. چوتھی سٹیج بھی کیا آتا ہے, اللہ مزید کے پہنچ رہے ہیں نا انہیں, چوتھی سٹیج پہ یہی ذکر جو زبان سے ہوا تھا دل سے ہوا, دل سے دل میں پیوست ہو گیا, آگے بڑھا تو کیا ہوا, اللہ یہ سب ختم ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا, احساس بھی ختم ہو گیا ذکر کا, ذکر کا جو احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا, بلکہ کیا ہوا کہ اب ذکر جو کرتا تھا احساس بھی, زبان کا بھی ختم, دل کا بھی ختم, احساس بھی ختم, اب کیا منزل آئی ہے, اب منزل یہ آ گئی کہ جس کا ذکر کرتا تھا وہ مذکور آ گیا, ذکر ختم مذکور دل کے اندر آ گیا, جس کا ذکر کرتا تھا منزل آ گیا. اس سٹیج پہ جا کے کیا ہوتا ہے, انسان اللہ اللہ کی ذات و تجلیات میں گم ہو جاتا ہے, اس کو استخراج کہتے ہیں, ذکر کو اس میں گم ہو جاتا ہے آدمی جا کے, بس جب ذرا گردن جھکائی دیکھ دل میں ہر وقت تصویر یار, اس کے دل میں ہر وقت کیا ہوتا ہے تجلیات ربانی ہوتی ہے, دیدار الہی ہوتا ہے, وہ بالکل یعنی اس فنا کہتے فنائیت سے بھی آگے نکل جاتا ہے, کیونکہ مذکور آ گیا ہے, فذکرونی اذکرکم پہ پہنچ گیا ہے وہ. یہ وہ مقام ہے, یہ مقام ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اولی اللہ کی زبانوں سے عجیب باتیں نکلی ہیں, کوئی کہتا ہے ان الحق, کوئی کہتا ہے میں آسمان زمین کو اپنی ہتھیلی پہ ایک رائی کی دانے کے برابر دیکھتے, کوئی کہتا ہے تمام ولی اللہ جتنے ہیں ان کو میرے قدم کی گردنوں پہ میرا قلم ہے, ولی اللہ کے قول ہے نا, آپ کو دیکھیں نا ملتے ہیں سارے. تو یہ جب یہ جن کے زبانوں سے نکلتا ہے حقیقت میں کیا ہے وہ, کہ وہ نہیں بول رہے ہوتے بلکہ کیا ہے, جیسے حدیث قدسی ہے شاید کہ بندہ جب میرا بن جاتا ہے اس مقام پہ پہنچتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اے بھائیو صوفیو یہ ہے منزل زندگی, اس کو نام ہے سبحان زندگی ہے, جو سننے مزہ آ رہا ہے تو جو اس مقام پہ چلتے ہوں گے ان کو کتنا مزہ ہوگا, ان کو فکر دنیا ہوگا کسی قسم کا, مجھے بتائیں جو آنکھ بند کر کے تجلیات کو گم ہو اللہ کی ذات کے اندر, اس کو یہ فکر ہوگا کہ بھائی یہ اور وہ اور فلاں یہ مجھے بتائیں, ہوگا اس کو سبحان اللہ, تجلیات فن ہوتے ہیں, ان کے کیا معاملہ ہے کہ الحمدللہ ان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے بار ظاہر اللہ ہی نکلتا ہے, اللہ کی منشا چلتی ہے ان کی بات میں, اللہ ہی بول رہا ہے,
اے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے جو میں نے, تو نے نہیں ماری میں نے ماری. یہ جو اولیاء اللہ کو ہم دیکھتے ہیں, ہم بڑے بڑے واقع سنتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مذکور تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, اپنی منزل پہ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں, تجلیات الہی میں فنا ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کو بتا دی میری گاڑی, بیٹھ گئے گاڑی میں سوار ہو گئے, اب چلتے چلے گئے, چلتے چلے گئے منزلوں پہ, نکلتے چلے گئے الحمدللہ. آخری سٹیج پہ بھیجیے الحمدللہ, اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے, اللہ کے بن جاتے ہیں, اللہ کے بن جاتے ہیں. اس ساری سٹیج پہ خیال رکھیں. اب ایک چیز کا بہت خیال ہونا چاہیے کہ ان ساری سٹیجز میں سے ایون فنائیت تک میں ہے نا, جو آخری سٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یہ مقام ہوتا ہے کہ تجلیات الہی میں غرق ہوتا ہے, اور جتنا میں خود دیکھتا ایسی صحبت میں نے لی ہوں تو آپ کو بتاتے رہتا ہوں اکثر کہ وہ ایسے انسان ہو سکتے 80-90 سال عمر جس کی ہو, اور جو بیٹھے آ کے 2 بجے رات کو آ کے بیٹھے خانہ کعبہ میں, اٹھ کے اٹھے ہی نہ, پھر رات کے 10-11 بجے صرف فضو کر کے پھر آگے بیٹھ جائے, اور کوئی کام نہ ہو صرف مراقب ہی ہو اور کچھ نہ کرتا ہو, ہو سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے؟ تو وہ یہ جس کو کچھ نظر آ رہا ہے جو تجلیات میں گم ہے, وہ خانہ کعبہ نہیں, وہ خانہ کعبہ والے کو دیکھ رہا ہے, وہ بہتروں کو نہیں دیکھتے ہوتے. صاحب تو سر خاصا نہ کچھ آپ کچھ کھائیں گے نہیں, ہم سے پوچھ سکتے بھوک کوئی نہیں, سبحان اللہ میرا کہتے ہیں بھوک نہیں, ابھی دل نہیں پہ کریں تھا جی خاص ہوں, یہ نہیں کہ میں بہت بڑا بول, نہیں نہیں بھوکے دل کوئی نہیں پہ کریں تھا, ابھی دل نہیں میرا کر رہا, سخت خواب برا حال, ایسا آرام کر لو جی تھی آرام کر لو ٹھیک ہوں, سمجھو کیا ہے وہ جو اللہ کے ساتھ تجلیات میں بیٹھا مجھے بتائیں, اس سے بڑی چیز کیا ہے اس کام میں ہے کچھ؟ وہ کہاں سے شروع ہوا کہ اس نے جیسے اللہ نے اس کو سواری بتائی اس سواری پہ بیٹھ گیا تھا طریقے سے. تو اب یہ دیکھیں بتا رہا ہوں کسی بھی مقام پر پہلے پہلی سواری سے لے کے آخری درجے تک, اب یہ صحیح اولیاء اللہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کسی مقام پہ بھی ان کو یہ نہیں پائیں گے کہ صحیح بھی ان سے شریعت اور سنت قطع ہو رہی ہے. یہ حق جاننے کا, حق جو اللہ کا ولی لوگ ہے نا, حق ولی اللہ کو جاننے کا نشانی ہے. بس تو کہتے ہیں ہم تو پہنچ گئے, بس نماز ہی پڑھ جی, ایک نماز میں مدینے پڑھتا ہوں, ایک خانہ کعبہ میں پڑھتا ہوں. سنا نا آپ نے وہ جی ہم تو کیا پوچھتے ہیں, بولے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں, ہم تو فلاں دیکھ رہے ہیں, تجلیات آتی ہیں, ابھی فلاں بزرگ ہمارے پاس ہے, ہڑو بھائی تم بہت لوگ لگے ہیں پیچھے. صحیح اولیاء اللہ صحیح گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, پہلی سٹیج سے لے کے آخری سٹیج تک کہیں بھی آپ جھول نہیں دیکھیں گے, فنائیت میں اتنے غرق ہوئے. میں آپ کو نقشبندی مشائق اپنی سلسلے کی باتیں بتا رہا ہوں, فنائیت میں اتنے غرق ہوتے تھے جیسے عشاء کی نماز پڑھی نہیں, مرا کی لمبی سردیوں کی راتیں, صبح ہو گئی الحمدللہ تہجد, اسی طرح مراقب ہوئے ہیں بیٹھے ہیں, اور جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا تھا ان کے پاس کان میں کہتا اللہ اللہ, ایک دم آنکھ کھل جاتی تھی ان کی, سبحان اللہ بس نماز اسی وقت. یہ نہیں کوئی نماز قضا ہو گئی, یہ نہیں کوئی جماعت قضا ہو گئی, یعنی کوئی غیر شریع کام ہو گیا ہو, نہیں نہیں نہیں, زندگی اور بلند ہو جاتی تھی شریعت اور سنت کے اوپر, الحمدللہ خطرات زیادہ بڑھ جاتے تھے, کبھی ہوش نہیں آتا تھا. ہوش کب آتا تھا؟ جس وقت اللہ کی پکار ہوتی کہ اس وقت انسان تیری ڈیوٹی یہ ہے. یہ فرق ہے صحیح ولی اللہ میں اور جو اللہ معاف فرما اس قسم کے ہیں. تو شیطان خط چڑھا دے جنات جس میں, تو وہ بھی ولی اللہ کو بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس پہ جن چڑھ جاتے ہیں, نہیں کرتا ہے, کوئی ہاتھ مارتا ہے, کوئی اونچے جاتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے, کوئی باتیں کرتا ہے, کبھی یہ کرتا ہے جس میں جن ہوتا ہے, تو کیا ولی اللہ ہے؟ جو اپنی منزل کو پا لیتا ہے فنائی تو پہنچ جاتا ہے. بس یہ ذکر بکری صحیح سواری کے الحمد للہ بالکل صحیح مسافر ہوتا ہے, صحیح منزل پہ جاتا ہے, جب اس مقام پہ پہنچتا ہے فنائیت کے مقام پر الحمد للہ میں نے آپ کو بتایا, بس تجلیات ربانی میں غرق ہو جاتا ہے, اس کو استخراج کہتے ہیں. ہر کام اللہ کی منشا سے ہوتا ہے, بلکہ زبانی اللہ کی منشا سے ہلی ہوتی ہے, جو بات کرتا ہے صدق نکلتی ہے, دعا اٹھاتا ہے دعا ہو جاتی ہے, قبول ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہ پورا ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اس کا مخلوق کو کچھ اور سمجھتی ہے لیکن اس کی منزل کچھ اور ہوتی ہے, اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہوتا ہے.
अब जब ऐसी बातें सुनते हैं हम, तो हम समझते हैं मेरे लिए नहीं, तो ये फला बुजुर्ग के लिए था, ये तो उसके लिए था, लगा रहा ऐसी बात नहीं है। बड़ी एक अजीब बात आपके सामने पेश करूंगा, अल्लाह ताला कहता है उसको मुश्किल कैसे समझता है, मैं तो ये हर इंसान की बात कर रहा हूं, हर इंसान को यही चाहता हूं, तो खुद ही नहीं हिल रहा। अल्लाह ताला बड़ा मुश्किल काम है ये, तो कैसा है? कहता है मैंने तुम्हारा मुश्किल को बहुत आसान कर दिया, गौर से तवज्जो सुनना मेरी ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं। कहता सारा काम तुम्हारा खत्म कर दिया, जिस सब को तू पाना चाहता है तूने कहा, समझा नहीं मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा इसके बारे में, जिसको तू पाना चाहता है मैंने तुम्हारा सारा काम ही आसान कर दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा वक्त बुलाई नबर वदीत कि मैं तेरी शाये रख से भी ज्यादा करीब हूं। बोले सुभान अल्लाह, समझे इस आयत को, इंसान को अल्लाह बता रहा है कि जिस रब को तू ढूंढ रहा है वो इतना दूर नहीं है, मैं तो तेरे शाये ये रख जो है इससे भी ज्यादा करीब हूं। तो अल्लाह बता रहा है कि तेरा तो सफर बहुत आसान है, यहां तक तो मैं आ गया हूं, सिर्फ तूने दिल का फासला दिल तक जाना है, तो कितना फासला है इसका, बोले सफर अख्तियार करने के लिए तो इतना छोटा सफर है। अल्लाह हो कि मैं तो अंदर ही हूं तेरे, और इतना करीब हूं कि शहर के करीब हूं, और तूने पहुंचना कहा है, मंजिल तेरी कहा है, ये कल्ब है, ये दिल है, तो कितना दूर है, सुभान अल्लाह, यहां शहर से दिल कितना दूर है, मैं इस मंजिल को तू तय नहीं कर सकता। अल्लाह इतनी आसान मैंने तेरे लिए कर दी है, तो खुद ही उसको दूर किए बैठे, इतना फासला है, इस रग से लेके दिल तक सफर करना है हमने। उसमें अल्लाह ताला कहता है कि फिक्र सफर शुरू कर, वजाहदु फीना लदी, मैं तेरे साथ चलता लग जाऊंगा, चलता चला जाऊंगा। ये धोखेदार हम खुद ही है, कोशिश नहीं करते चलने के लिए, कोशिश करेंगे भाइयों, ये कल पूछा जाएगा हमारे से, अगर हम ऐसे मुसाफिर हुए कि हम अपनी मंजिल को ना पा सके, मैं बताऊं मेरा हाल क्या होगा कब्र के अंदर, मैं कैसे जवाब दूंगा उन रब्बों को, कैसे जवाब दूंगा रसूलों को। ये सारे जराए अल्लाह पाक ने दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब तो कहा गया है कि हर चीज नमाज रोजा हज ज़कात ये सब जराए दिए अल्लाह पाक ने, लेकिन ये पहुंचा नहीं सकते, नहीं पहुंचा सकते हम मंजिल तक, इसीलिए अल्लाह कहा गया कि इसके साथ जब तक जिक्र नहीं होगा, जब भी अल्लाह ने कहा कि नमाज वो नमाज अफजल है जिसमें जिक्र हो, रोजा वो अफजल है जिसमें जिक्र हो, हज वो अफजल है जिसमें जिक्र हो, जिक्र जो है सारी इबादत की रूह कहा है अल्लाह पाक ने, कि ये सवारी जिक्र की होगी, जब सवारी पे बैठोगे तो तुम्हारी नमाज भी चलेगी, हज भी चलेगा, ज़कात भी चलेगी, और तुम्हारे रोजे भी चलेंगे। समझ में थोड़ा फर्क है, इन्हीं को चलाएगा अल्लाह ताला। जहाज में बैठते हो सफर, जहाज में जाना है तो भूख लगी, खाना भी आएगा आपको, ऐसे खाना भी खिलाएगी, पानी भी पिलाएगी, रमजान चाय भी पिलाएगी, होता ही नहीं होता कि खाली बिठाएगा, तो अल्लाह ताला यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी सवारी के जिक्र में बैठ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो लवाजमात हैं जो तुझे दे रहा हूं, इबादत नूर अल्लाह नूर है, ये सब तुझे फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। तेरी नमाज ऐसी ठोंगे वाली नहीं होगी, इखलास वाली होगी, तेरी जो हज होगा दिखावे वाला नहीं होगा, आएगा फिर गुनाह करे, नहीं ऐसे एक हज तुझे काफी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे रमजान ऐसे नहीं गुजरेगा, 30 दिन गुजारने के बाद फिर तू वो हो जाए, तेरी ज़कातें ऐसी नहीं होगी तुझे पाक नहीं कर सके, नहीं वो बदल जाएंगी, फिर सही सवारी में बैठा है, सही फूड मिलेगा तुझे इबादत का इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है सारी बातों को हम समझ गए अच्छी तरीके से। मेरे भाई अल्लाह ने हमें जिक्र की चीज, जिक्र की नेमत से नवाजा है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, अपने आप को मुसाफिर समझें, इस सवारी की कीमत समझें, और इखलास के साथ इस पर लग जाए अल्लाह के फजल से, गुनाहों को तर्क करें, शरीयत और सुन्नत को पकड़ें, जब तक सुन्नत और शरीयत को हम नहीं पकड़ेंगे तो चलेगी नहीं सवारी। याद रखें ये क्या चीज़ है, ये पासपोर्ट और टिकट है सवारी की, जो सवारी में बैठना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला कहता है पासपोर्ट टिकट दिखा तुझे तब अपनी सवारी में बिठाऊंगा, तो पहले सबसे पहले मांगता है अल्लाह ताला कि टिकट पासपोर्ट तूने लिया, टिकट और पासपोर्ट कौन सा है, कि टिकट तो है शरीयत और पासपोर्ट तो है शरीयत, अल्हम्दुलिल्लाह दिखा, और स्टम्प क्या है, सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दो चीजें तेरे पास में बैठ जाए सवारी में, अगर दोनों चीजें नहीं है तो सवारी के इंतजार का भी तुझे नहीं मिलूंगा। तो सबसे पहले तौबा करके हमें वादा करना होता है कि अल्लाह ताला तेरी शरीयत और सुन्नत रसूल को मजबूती से पकड़ेंगे, जब ये स्टैंप लग जाती तो अल्लाह कहते बैठ जाए मेरी गाड़ी, अब जिक्र कर, इसके बगैर जिक्र करना फायदा नहीं देता है, हराम भी खाएं जिक्र भी करें, बदमाशी भी खाएं जिक्र भी करें, सूद भी खाएं जिक्र भी करें, बेपर्दगी भी करें जिक्र भी करें,
ये तो अपने आप को धोखा दे रहे आदमी, झूठ भी बोलो जिक्र भी करें, गिबत भी कर, जिक्र नहीं, जिक्र फायदा नहीं देगा, जिक्र फायदा उस वक्त देगा, सवारी फायदा उस वक्त देती है जब दो चीजें, दो पासपोर्ट उस पर स्टैंप लगी हो, वीजा लगा हो, तब बैठ सकते हैं जहाज में, वरना आप नहीं बैठ सकते। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم السلام سلام عليكم شفيع المظلمين ده ياسين حبيبنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطنا وامننا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.